छोटा बच्चा सब है पूरा कौन सा बच्चा फंसा हुआ छोटा सा बच्चा है टोटल इनका बच्चा सब है हम लोग का डॉक्टर लोग का सबका बच्चा पड़ा हुआ धैर्य रख प्रशासन धैर्य रख आपको दिखा रहे हैं कि अपार्टमेंट में घुस कर अकेला ऐसा बंदा है फायर डिपार्टमेंट का जिसने कईयों को जान बचाया है, अपने जान पर चढ़ कर सीढ़ी पर चढ़ कर बच्चे से लेकर महिला तक की जान बचाया है। देख सकते हैं थक हार कर। दरभंगा के दिल्ली मोड़ के समीप एक अपार्टमेंट में लगी भयंकर भीषण आग, जहां कई घर जले, साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घर के दरवाजा खिड़की तोड़कर दर्जनों की संख्या में बच्चे महिला पुरुष की बचाई जान। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा के दिल्ली मोड़ के निकट वासुदेवपुर से आ रही है, जहां एक अपार्टमेंट में भयंकर भीषण आग लग गया। आग इतना भयावह था कि अपने आगोश में अपार्टमेंट में स्थित कई घर को जला डाला। इधर बताया जा रहा है कि इस घर के अंदर दर्जनों की संख्या में बच्चे महिला सहित बूढ़े व्यक्ति फंसे हुए थे। वहीं भीषण आग को देखते हुए सभी के परिजन दहशत में थे, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम की मुस्तैदी के कारण इतना बड़ा हादसा टल गया। आपको बताते चले कि गई घंटे के मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा गया। दरअसल बताया जाता है कि इस भीषण आग को बुझाने में लगभग फायर ब्रिगेड के 5 से 6 गाड़ियां भी कम पड़ गई। आप सोच सकते कि आग इतना भयावह था कि फायर ब्रिगेड की टीम को आग पर काबू पाने के समय दम घुटने लगा, लेकिन फिर भी जान के जोखिम में डालकर उन्हें घर के दरवाजा तोड़े, कई खिड़की तोड़े, फिर घर में घुसकर सो रहे महिला बच्चा सहित कई पुरुष को आग के चपेट से निकाले। हालांकि आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से लोग दहशत में हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं और फायर ब्रिगेड की टीम से अपने परिजन की जान बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। वहीं मौके पर कई थाने के साथ पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। आगे देखिए क्या है मामला। आप लिए तारीफ माना जाए सर, आपने वीरता का काम किया, अभी कितने को जान बचा है इस आग में। सुनो ना, आप उधर नहीं मन कर रहे हो, बैठे यहाँ हवा लगा रही। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि अपार्टमेंट में घुस कर अकेला ऐसा बंदा है फायर डिपार्टमेंट का जिसने कईयों को जान बचाया है, अपने जान पर चढ़ कर सीढ़ी पर चढ़ कर बच्चे से लेकर महिला तक की जान बचाया है। देख सकते हैं थक हार कर ये बैठे हुए हैं, अब इसकी स्थिति देख सकते हैं। आज पहली बार का वनमैन आर्मी है सर, पूरा सबको निकाले हैं एक एक करके, ये बेचारे पूरा अपना जान जोखिम में डाल के एक आदमी का भी कैजुअलिटी नहीं होने दिया है और सबको एक एक करके नीचे लाए हैं। इनका तहे दिल से सब आदमी को शुक्रिया अदा करना चाहिए ये सक्सेस मिशन करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अकेला आज हमारा बेला का एक कंपाउंडर है हमारा जो क्लिनिक में रहता है, वो हमको फोन किया कि भैया हम फंस गए, हमको पता नहीं चल रहा था, कहा कि हम लोग पावर हाउस में भी आग लगा हुआ था, वहाँ से निकले ही थे कि हमको फ़ोन आया कि हम यहाँ पे अति गोविंदा पैलेस के सामने अपार्टमेंट में हम फंसे हुए हैं, सुई देने आए थे। हमको आश्चर्य लगा कि यहाँ पे कुछ मेरे रिलेटिव भी रहते हैं, वहाँ से भागे भागे आए, यहाँ का दृश्य देखे बाकी भी बहुत खतरा। वहाँ से फिर हम अग्निशमन को फ़ोन करके पासवान जी को फ़ोन करके वहाँ से अग्नि को लेकर ही आकर साथ में आए हैं और यहाँ का दृश्य देखे हैं। यहाँ पर सभी लोकल का भी समर्थन था जो आग बुझाने में काबिले तारीफ था, जो अपने जान को भी लोकल बेला लोकल का और यहाँ का भी कुछ लोकल जा था अपना जान को जोखिम में डालकर आग बुझाने का कोशिश किया है। इन लोगों को भी बहादुरी का धन्यवाद देना चाहते हैं। लगभग कितने बच्चे को लगता है 50 लोग से ऊपर थे, फंसे हुए थे और यहाँ का फायर ब्रिगेडर और यहाँ के प्रशासन का भी तारीफ करना चाहिए जो अपना जान पर परवाह नहीं किए, कहा कि आग बहुत बुरी तरीके से लगा हुआ। अपार्टमेंट में कितना रूम होगा? अपार्टमेंट में हमको लग रहा है 150 से ऊपर रूम है, काफ़ी उसमें सारे लोग एक अपार्टमेंट में 6-6 लोग फंसे हुए थे।
पूरी तरीके से वो लोग फंसे हुए थे। वो लोग सबसे आग से ज्यादा धुआं से प्रकाशित थे। हम लोग को बार बार फोन आता है कि धुआं धुआं लग रहा है, धुआं लग रहा है, धुआं से बेहोश हो जाएंगे। एक दो आदमी का तो जल भी गया है, जो अभी हॉस्पिटल भर्ती हो चुका है। लेकिन यहाँ के लोकल प्रशासन और अग्निशमन और आप लोग के व्यू से कम यहाँ पर आदमी पहुँच कर यहाँ पर बचाव का क्रिया हुआ है। अभी तक कोई माल जाल का क्षति नहीं है, कुछ घटना कुछ हल्का फल्का क्षति हुआ है, लेकिन लग रहा है कि आदमी का आग लगने का कारण क्या लगा? अभी तो जांच की केंद्र है, पता चलेगा। और यहाँ का इंसानियत अब जो है आदमी सब लगा हुआ है, बचा रहा है। पीछे सेफ्टी में रखा हुआ था। मुकेश कुमार महासेठ, वार्ड 12।